दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुसलमान भाई जो पांच वक्त का नमाज अदा करते हैं उसकी हिंदी में मतलब समझेंगे। सबसे पहले वो दो बार बोलते हैं अल्लाहू अकबर, इसका हिंदी में मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद वो बोलते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, और इसका हिंदी में मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और इसके बाद वो बोलते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद उर रसूलल्लाह, और इसका हिंदी में मतलब होता है मैं गवाह देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इसके बाद नमाज में जो लाइन आती है वो है हैया अलसलह, इसका मतलब है आओ नमाज की ओर। और इसके बाद बोलते हैं हैया अलल फलह, यानी कि आओ कामयाबी की तरफ। इसके बाद वो एक बार फिर से अल्लाहु अकबर का उद्घोष करते हैं, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और नमाज के अंत में वो फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसका मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। इससे आप समझ गए होंगे कि दिन में अपने पांच बार की नमाज में एक मुसलमान क्या फरमाते हैं, वो भी इतनी तेज आवाज और माइक में। और ज्यादातर जगह तो ध्वनि पॉल्यूशन का उल्लंघन भी होता है। सुनने वाला दूसरे मजहब का भी होता है, जिसको बताया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं है। तो इस पूरे नमाज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।